आदाब, मैं जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ। ये धरनी साइट के लिए अभी ये जो एंट्रीज चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से डिटेल्स ले रहे हैं खाली, इसमें कोई कोई कागजा का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है खाली, ये आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं इसमें, खाली NRC का इश्यू कुछ भी नहीं रहता इसमें, खाली जो जो डिटेल्स आप दे रहे हैं वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एंट्री होता आपके लिए भी वो अच्छा होता, फ्यूचर में कुछ झंझट आए तो चले जाता वो। आधार कार्ड की खाली नंबर लेते हम, वो एंट्री करते, जेरोक्स भी नहीं देने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, नहीं तो आप मोबाइल ऐप में आप भी खुद फाइल कर सकते डिटेल्स, वो मैं वो नंबर लॉगिन आईडी आप दे हमारा लोग दे देते स्टाफ। डरने की बात कुछ भी नहीं इसमें, आपका प्रॉपर्टीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो लीगल इलीगल के बारे में करने का नहीं होता है, जो आप रह रहे ना वो हम एंट्री कर ले रहे गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एंट्री होता उतना ही, उसमें कोई झंझट नहीं रहता, आपको फ्यूचर में भी कोई तकलीफ नहीं होता यदि डिटेल्स देने से। यही आप पब्लिक कोऑपरेट करके दे दिए तो जरा गवर्नमेंट का वो प्रेस्टेज इशू है, अच्छा प्रोजेक्ट है पूरा, जो जो प्रॉपर्टीज है जो जो पब्लिक है वो एक अकाउंट आ जाता, इसकी तरफ से गवर्नमेंट से फंड्स आ जाता, अपन म्यूनसिपालिटीज को डेवलपमेंट कर सकते। और एक इसमें कैस्ट भी नहीं पूछता खाली, वो कैस्ट का कई को पूछ रहा बोले तो इसमें रिजर्वेशंस रहता, वो SC ST BC जैसे रिजर्वेशन डिवीजन के लिए पूछता, आपको ये कैस्ट डिटेल्स बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता फ्यूचर में भी, वो कैस्ट के बारे में भी सोचने की बात ही नहीं है, NRC की बात भी सोचने की बात नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा ये डिटेल्स देने से आपको। धरनी साइट में ये गवर्नमेंट का इशू है, खाली एंट्रीज करना है उतना ही, जरा आप कोऑपरेट करके हमारा म्यूनसिपल आदमियों को थोड़ा जोड़ो डिटेल्स जरा जल्दी से जल्द दिए तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता और इश्यू भी क्लोज हो जाता। वार्ड्स की आवाम से गुजारिश है ये डिटेल्स जल्द से जल्द म्यूनसिपल ऑफिसर्स को दे दीजिए, वो रिकॉर्ड्स हम फाइल करके गवर्नमेंट को भेज देते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आप देने का ज़रूरत नहीं है, कोई पूछे तो भी ना खो दे, खाली आधार नंबर बता दिए तो बस है, खाली हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, मैनुअल लेते हैं, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेते हैं, और ऑनलाइन में करें तो फ़ोन में ही फ़ोटो ले लेते हैं हम, उतना ही डिटेल्स आप देना पड़ेगा हम लोगों को। और एक बात क्या है कि ये डिटेल्स आप देने के बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड पासबुक जैसा डॉक्यूमेंट भी प्रपोजल है गवर्नमेंट का वो भी दे देता। ये फ़ोटो भी क्यों पूछ रहे बोले तो पुराना फ़ोटो तुम्हारा वैसे ही रहता जो आपके पास है आधार में है डॉक्यूमेंट्स में वही रहता, ये एडिशनल फ़ोटो लेटेस्ट फ़ोटो तो आपको ये अभी जो गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट आता ना पासबुक जैसा आईडी कार्ड जैसा उसमें रिकॉर्ड होता, इसीलिए वो फ़ोटो भी पूछना, आधार कार्ड नंबर खाली रेगुलर है कहीं भी जाए आधार कार्ड नंबर जरूरी है अभी इंडिया में, इसके बारे में भी आधार कार्ड पूछना। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।